आज हम आईबीएम 360 के एक प्रोग्राम को समझेंगे जिसमें हम नो लूपिंग की हेल्प से उस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, मतलब हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, अब हम उसको विदाउट लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम के गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू एड द नंबर 49 टू द कंटेंट ऑफ 10 एडजेसेंट फुल वर्ड्स इन मेमोरी। देखो पहले हम इतना समझ लेते हैं कि क्या है। देखो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। किसका प्रोग्राम लिखना है, एक नंबर है 49, उस 49 को हमें किसके साथ ऐड करना है, टू द कंटेंट ऑफ 10 एडजेसेंट फुल वर्ड्स। फुल वर्ड्स का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, फुल वर्ड। फुल वर्ड दैट इज क्या है, 32 बिट है। क्या है, 32 बिट है। तो 32 बिट के हमारे पास कितने नंबर्स है, 10 एडजेसेंट नंबर्स है। 10 एडजेसेंट मतलब उनको कंटिजियस मेमोरी, जैसे अरे में होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास क्या है, ये 10 एडजेसेंट वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड सपोज हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी, आगे उन्होंने एड्रेस दे रखा है, तो फर्स्ट वर्ड अगर हमारा जीरो लोकेशन पर है तो क्योंकि वो फुल वर्ड है उसको कितनी बाइट्स की जरूरत है, 4 × 8 दैट इज 32 बिट्स की जरूरत है। मतलब कितनी बाइट्स की जरूरत है, 4 बाइट्स की जरूरत है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा फुल वर्ड वो कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। देखो एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम बाद में कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा फुल वर्ड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 8 से। एंड नेक्स्ट जो हमारा फुल वर्ड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 8 + 4 = 12 से, एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से ये हमारे फुल वर्ड्स मेमोरी में पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इस 49 को सपोज इसके फर्स्ट फुल वर्ड के कंटेंट्स हैं 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है, पहले 49 को इसमें ऐड करना है फर्स्ट फुल वर्ड में, देन 49 को इसमें ऐड करना है, देन 49 को इसमें ऐड करना है, देन 49 को इसमें ऐड करना है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कहां तक चलेगी, 10 नंबर्स तक चलेगी। तो हमने यहां तक तो समझ लिया कि 10 एडजेसेंट फुल वर्ड्स हैं जिनमें हमें 49 को ऐड करना है। ओके, अंडर द फॉलोइंग अजम्पशंस, अब ये अजम्पशंस हमें माइंड में रखने हैं। क्या अजम्पशंस हैं, तो देखो द 10 नंबर्स दैट आर टू बी एडेड आर इन कंटिजियस फुल वर्ड्स बिगनिंग एट एब्सोल्यूट कोल लोकेशन 952। अभी कोल लोकेशन क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। ओके, तो हमारे ये जो फुल वर्ड्स हैं वो मेन मेमोरी में कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 952। ये क्या है, एब्सोल्यूट लोकेशन है, नॉट रिलेटिव लोकेशन। देखो रिलेटिव लोकेशन क्या होती है कि ये अगर हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनकी रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर एंड सो ऑन। और एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है, देखो ये जब मेन मेमोरी में लोड होगा तो जरूरी नहीं है कि इसको जीरोथ वाली, देखो ये है हमारी मेन मेमोरी, तो इसको जरूरी नहीं है कि जीरोथ ही लोकेशन फ्री मिल जाए, नहीं मिलेगी, क्योंकि जीरो से लेकर तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और होती हैं, चलो उन सबको छोड़ो, तो जरूरी नहीं है कि कुल मिला के हमें जीरोथ लोकेशन ही जो है वो फ्री मिल जाए। ये चीज में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो हो सकता है कि हमें जो फ्री लोकेशन मिली है वो कोई और मिली है, सपोज हमें 50 से मिला है, मतलब हमें जो फ्री स्पेस मिली है वो कहां से मिली है, 50 से, तो हमारा ये प्रोग्राम कहां पे जाके लोड होगा, 50 से। ये वाली जो लाइन होगी कहां पे होगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे इसी तरह से ये प्रोसेस चलने वाली है। ठीक है, तो ये जो होता है ये 50, ये क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। क्या होता है, ये बेस एड्रेस होता है। तो इन्होंने क्या बताया, तो यहीं पे सपोज हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये 50 वाले एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, तो यही क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एड्रेस हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हमें एब्सोल्यूट एड्रेस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस एड्रेस को हर एक एड्रेस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एड्रेस मिलेगा। और इन्होंने ये प्लस करके ही हमें दिया है कि हमारा जो है प्रोग्राम, हमारे जो 10 नंबर्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कोर लोकेशन दैट इज मेन मेमोरी में जो इनकी लोकेशन है वो क्या है, 952। इन्होंने प्लस करके ही दिया है किसके कंटेंट्स को, बेस एड्रेस को इन्होंने प्लस करके ही दिया है। तो हमारा कुल मिला के प्रोग्राम कहां से स्टार्ट, प्रोग्राम नहीं सॉरी, जो डेटा है जिसको हमें ऐड करना है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 952 से। तो इन्होंने बेस एड्रेस हमें प्लस करके ही दिया है। ओके, आगे हम आते हैं, द प्रोग्राम इज इन कोर स्टार्टिंग एट लोकेशन 48। अब प्रोग्राम की जो एब्सोल्यूट एड्रेस है वो क्या है, 48 है। देखो रिलेटिव है जीरो, एब्सोल्यूट है 48, इसका मतलब क्या आता है कि हमारा जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 48 है। क्या है हमारा बेस एड्रेस, 48 है, बेस एड्रेस इज 48। ओके,
तो हमारा अगर रिलेटिव, देखो प्रोग्राम का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा जो रिलेटिव एड्रेस है वो तो क्या है, जीरो है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो मेन मेमोरी में या कोर में कहां पे जाके स्टोर हुआ है, 48 लोकेशन से स्टोर हुआ है। इसका मतलब हमारा बेस एड्रेस क्या है, 48। तभी तो 0 + 48 कितना आया है, 48 आया है। इसका मतलब हमें हर एक इंस्ट्रक्शन में, हर एक डेटा के जो एड्रेस में क्या प्लस करना है, 48 प्लस करना है। तो हमारे बेस रजिस्टर जहां पर भी है वो बेस रजिस्टर के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, 48 होने चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लुक क्या दे रखा है उन्होंने, द नंबर 49 इज अ फुल वर्ड। जो 49 हमें ऐड करना है वो भी क्या है, फुल वर्ड, दैट इज 32 बिट्स का वर्ड है, उसे भी 4 बाइट्स की जरूरत है, इज अ फुल वर्ड एट एब्सोल्यूट लोकेशन 948। मतलब हमारा जो बेस है, सॉरी 49 जिसको हमें ऐड करना है वो कहां पर है, एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट लोकेशन कहां पर है, 948 पर है। तो यहां पर 48, तो ऐसे ही प्लस प्लस करके कहां पर जाएंगे, 948 पर हमारा कौन है, 948 पर हमारा नंबर 49 पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है, 49 है। अब क्योंकि ये फुल वर्ड है तो इसको भी कितनी बाइट्स मिलेंगी, 4 बाइट्स, 48 49 50 51, ये 4 बाइट्स किसको मिल जाएंगी, इसको मिल जाएंगी। ओके, अब इसका अगर हमें रिलेटिव एड्रेस निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका रिलेटिव एड्रेस क्या होगा, 48 - 48 दैट इज 0 हो जाएगा। इसका रिलेटिव एड्रेस क्या होगा, 948 - 48 दैट इज क्या हो जाएगा, हमारे रिलेटिव एड्रेस क्या हो जाएगा, 948 - 48 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। मतलब अगर हमारे प्रोग्राम की बात करें तो ये डेटा कहां पर है, इस लोकेशन नंबर, देखो 948 - 48 दैट इज 900 वाली लोकेशन पर है। ओके, इसी तरह से हम इस चीज का रिलेटिव एड्रेस निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, 952 - 48, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 904 आ जाएगा। हम रिलेटिव एड्रेस क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो हम रिलेटिव एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ना कि हम एब्सोल्यूट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो मेन मेमोरी में कहां जाने वाला है। ये तो हमें यहाँ पे अजम्पशंस दे रखे हैं कि हमारा जो बेस एड्रेस है वो 48 है। ये बेस एड्रेस चेंज भी हो सकता है, जब हमारा प्रोग्राम कभी लोड होता है और यहां तक का स्पेस फ्री नहीं है तो हमारा बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम किसके साथ डील करेंगे, हमारे रिलेटिव एड्रेस के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो रिलेटिव एड्रेस, इस चीज का पता चल गया क्या होगा, 0 होगा। इस चीज का जो नंबर हमें ऐड करना है उसका रिलेटिव एड्रेस क्या होगा, 900 होगा, 48 माइनस किया है। इसी तरह से 952 का जो रिलेटिव एड्रेस होगा वो क्या होगा, 904 होगा। ये चीजें हमने समझ ली। एक और चीज हमें क्या दे रखी है, लास्ट अजम्पशन, रजिस्टर 1 कंटेन्स 48। अब ये जो 48 है वो कहां पर है, रजिस्टर नंबर 1 में है। तो कुल मिला के हमारा जो बेस रजिस्टर हो गया जिसके हमें कंटेंट्स प्लस करने हैं वो कौन सा है, रजिस्टर नंबर 1 है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारा प्रोग्राम का एम क्या है, फिर से हम समझते हैं कि हमारा ये जो नंबर 49 है जो कि इस लोकेशन पे है, इसको हमें पहले इसके साथ प्लस करना है, देन हमें इसके साथ प्लस करना है। ये कंटेंट्स तो मैंने ऐसे रफली लिख लिए हैं, मतलब इस लोकेशन के साथ प्लस करना है, इस लोकेशन के कंटेंट्स के साथ प्लस करना है, देन हमें नेक्स्ट लोकेशन के कंटेंट्स के साथ प्लस करना है, देन हमें नेक्स्ट लोकेशन 10 कंटिजियस नंबर्स के साथ हमें प्लस करना है। यहां पे मैंने स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि इसको 4 बाइट्स की जरूरत है, तो 952 53 54 and 54 इसी को 55 इसी को मिलने वाली है। अदरवाइज यहाँ पे मेमोरी में इन चीजों को कंटिन्यू ही बनाया जाता है, मतलब शो करने के लिए। लॉजिकली अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 952 900, फिर नेक्स्ट लोकेशन देखो ये 0, देन ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, पहले इसको इसके साथ प्लस करना है, देन नेक्स्ट के साथ प्लस करना है, देन नेक्स्ट के साथ प्लस करना है, और इसी तरह से ये चीज चलती रहेगी। ओके, तो अब यहां पर हमें एक और चीज, यहां पर मैंने क्या लिखे हैं, यहां पे इनके एब्सोल्यूट एड्रेस लिखे हैं। अगर हम इनमें से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेंगे, इनके रिलेटिव एड्रेस मिलेंगे, और रिलेटिव एड्रेस ही हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस में लिखने हैं। ओके, तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सारी जो कैलकुलेशन होती है वो कहां पर होती है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स में होती है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक जनरल पर्पज रजिस्टर में लेना पड़ेगा। तो सपोज हमारा जो जनरल पर्पज रजिस्टर है वो क्या है, 2 है, जिसके अंदर हम सारी, जिसको हम एक्यूमुलेटर की तरह यूज करेंगे, जिसमें हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, रजिस्टर नंबर 2 है, सपोज रजिस्टर नंबर 2 के अंदर मुझे किसको लेके आना पड़ेगा,
इस फर्स्ट नंबर को लेके आना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर के जो भी कंटेंट्स है उसको लेके आना पड़ेगा। अभी कंटेंट्स तो मुझे डायरेक्टली पता नहीं होंगे, तो कुल मिला के मुझे किसको लेके आना पड़ेगा, इस एड्रेस के कंटेंट्स को लेके आना पड़ेगा। किस एड्रेस के कंटेंट्स को, 900904 वाली लोकेशन के कंटेंट्स को मुझे कहां पर लाना है, रजिस्टर नंबर 10 में लोड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लोड इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो मुझे इस लोकेशन के कंटेंट्स को इसमें लोड करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो क्या करनी है, अब यहां पर 10 आ गया, अब मुझे क्या करना है, इस 49 को इसमें प्लस करना है। और 49 कहां पर है, 900 वाली लोकेशन पे है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा क्या होगा, ऐड होगा, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ऐड करना है रजिस्टर नंबर 2 में। किसके कंटेंट्स को ऐड करना है, तो मुझे इस लोकेशन के कंटेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कौन सी लोकेशन के कंटेंट्स को ऐड करना है, 904 वाली, 900 वाली लोकेशन के कंटेंट्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ओके, फिर अब जो भी रिजल्ट आया, देखो 900 पे क्या है, 49 है। अब इन दोनों को ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आया, मुझे वापस कहां पर स्टोर करना है, यहां पर स्टोर करना है। तो यहां पर स्टोर करने के लिए फिर मुझे क्या इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, एसटी इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। अभी इंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे वो हम बाद में समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम देखो, ये मेरा पहला काम तो हो गया। अब मुझे नेक्स्ट वर्ड लेना है, कौन सा वर्ड लेना है, नेक्स्ट वर्ड लेना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, 20। अब मुझे सेम काम यहां पे भी करना है, तो अब मुझे फिर क्या, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या लोड करना पड़ेगा मेरे रजिस्टर नंबर 2 में, अब मुझे 908 वाली लोकेशन के कंटेंट्स को क्या करना है, यहां पे लोड करना है। ओके, इसके बाद में फिर मुझे क्या करना, अब ये मैं एब्सोल्यूट, ये मैं क्या बता रही हूं, ये रिलेटिव एड्रेस बता रही हूं। एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में। फिर मुझे क्या करना है, देखो इसके कंटेंट्स एड हो गए, इस वाले के कंटेंट्स यहां पे लोड हो गए। इसके बाद मुझे क्या करना है, एड करना है 49, जो कि किस लोकेशन पे है, 900 वाली लोकेशन पे है। तो मुझे रजिस्टर 2 में 900 वाली लोकेशन के कंटेंट्स को, रिलेटिव लोकेशन के कंटेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये ऐड हो गए, ये ऐड हो गए। इसके बाद में रिजल्ट क्या है, 69। इसको मुझे वापस कहां पे करना है, स्टोर करना है। कहां पर, इसी लोकेशन पे स्टोर करना है, ताकि यहां पे क्या बन जाए, ये 69 बन जाए। ठीक है, यहां पे पहले स्टोर किया था तो 59 हो गया था। फिर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो लोकेशन है, नेक्स्ट जो है नंबर, वो कहां पे है, ऑब्वियसली 912 वाली लोकेशन पे होगा। क्यों, क्योंकि हर एक को किसकी जरूरत है, 4 बाइट्स की जरूरत है। तो नेक्स्ट कहां पे होगा, 912 पे होगा। तो फिर मुझे रजिस्टर 2 में क्या करना है, 912 वाली रिलेटिव लोकेशन के कंटेंट्स को क्या करना है, सपोज यहां पे 30 है, तो इसको मुझे यहां पे क्या करना है, लोड करना है। फिर मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है एंड फिर स्टोर करना है। यही प्रोसीजर कितनी बार चलेगी, 10 बार चलने वाली, क्योंकि हम लूप्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब हम पहले आते हैं, हम इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखेंगे। देखो हमें क्या पता है, हमें आरएक्स फॉर्म का यूज करना है, आरएक्स फॉर्मेट का यूज करना है। अब आरएक्स फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, यहां पे क्या लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन का जो भी, अगर हम ये बाइट्स के बिट्स के फॉर्म में देखें, यहां पे क्या लिखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहां पर जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, अब देखो हमारा इंस्ट्रक्शन अगर लोड है तो यहां पर लोड का कोड आएगा। जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे यहां पे हम रजिस्टर नंबर 2 यूज कर रहे हैं, तो रजिस्टर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में यहां पे क्या आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, यहां पे क्या आता है, इंडेक्स रजिस्टर, यहां पे हम इंडेक्स रजिस्टर नहीं यूज कर रहे। फिर आता है बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर कौन सा है, रजिस्टर नंबर 1 है, जिसके कंटेंट्स है 48। ओके, इसके बाद में यहां पे आता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, एक बार फिर से हम देखते हैं। देखो हमें ओनली क्या पता है कि हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कहां पे, रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव लोकेशन क्या है, 0 है। अब हमें सीधे, क्योंकि हमारा जो ऑपरेंड्स पड़े हुए, हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है, कहां पर पड़ा हुआ है, ये 942, 48 एंड 952 पे। अगर इनकी हम रिलेटिव लोकेशन देखें तो क्या है, इनकी 900 है। इसका मतलब हमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में, इस वाले के लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 904 हो जाएगा। मतलब इतना हमें डिस्प्लेस करना है, इतना हमें आगे आना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्म में लिखें। तो अब ये है हमारा कौन सा, आरएक्स फॉर्मेट का इंस्ट्रक्शन, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं। पहले यहां पर
अब हमारे जो आरएक्स जो हमारा आरएक्स इंस्ट्रक्शन है उनको इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में हम देखो कैसे लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है, चाहे लोड है, स्टोर है, जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो रजिस्टर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं वो लिखेंगे। ओके, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट जितना भी हमें करना है वो लिखते हैं। उसके बाद में यहां पर क्या आता है, हमारा इंडेक्स रजिस्टर आता है, यहां पर क्या आता है, हमारा बेस रजिस्टर आता है। ओके, अब हमें कितनी चीजें पता है, इंस्ट्रक्शन तो हमारा चेंज होता रहेगा, हमें पता है कि हमारा जो रजिस्टर है कौन सा, जिसमें हमारी कैलकुलेशंस हो रही है, जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो क्या है, 2 है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। इंडेक्स रजिस्टर हमारा क्या है, 0, क्योंकि हम कोई इंडेक्स एड्रेस का यूज नहीं कर रहे हैं। बेस रजिस्टर, जैसा कि हमें यहां पर अजम्पशन में बताया गया है कि बेस रजिस्टर हमारा कौन सा है, जिसमें 48 वो क्या है, रजिस्टर नंबर 1 है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, रजिस्टर नंबर 1 लिखने वाले हैं। ओके, तो यहां पर ये दो चीजें ओनली चेंज होंगी, ये जो चीजें हैं ये क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो रजिस्टर नंबर 2 के अंदर किसको लोड करना है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है जिसका जो रिलेटिव एड्रेस है वो क्या है, 904 है, रिलेटिव लोकेशन 904 पर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको लोड करना है रजिस्टर नंबर 2 में। तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, तो उस चीज के लिए हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, हमें लोड करना है, क्या लोड करना है, रजिस्टर नंबर 2 में लोड करना है। कौन सी लोकेशन, अब यहां पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 904 है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इसके बाद में इंडेक्स रजिस्टर क्या है, हमारा 0 है। ओके, मतलब यहां पे हम कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, 0 इसका मतलब ये होता है ना कि रजिस्टर नंबर 0 इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमारा बेस एड्रेस किसके अंदर है, रजिस्टर नंबर 1 के अंदर क्या है, हमारा बेस एड्रेस है। अब देखो ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी, यहां पर पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 904, और बेस रजिस्टर क्या है, 1 के कंटेंट्स, रजिस्टर नंबर 1 में क्या है, हमारा 48 पड़ा। ये सब हमारे अजम्पशंस को लेके हम चल रहे हैं। तो अब हम क्या किया जाता है, एड्रेस मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि बेस और इंडेक्स के डिस्प्लेसमेंट के कंटेंट्स को क्या किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को क्या किया जाएगा, एड किया जाएगा। बेस रजिस्टर के कंटेंट्स क्या है, 48 है, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 952 आ जाएगा। तो कुल मिला के 952 क्या निकल जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस। ये चीज हमें नहीं करनी है, ये जो है इंटरनली प्रोसेसिंग होगी, हमें ओनली क्या प्रोवाइड करना है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। तो इसकी हेल्प से हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, एड्रेस, जो कि क्या है, 952। 952 कहां पे, कोर में 952। तो 952 पे जो भी कंटेंट्स हैं, इसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, 952 है, उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो कहां पे लोड हो जाएंगे, हमारे रजिस्टर नंबर 2 में क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड करना है, किसके कंटेंट्स को ऐड करना है, इस 900 वाले, इस कंटेंट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें ओनली रिलेटिव पता है, एब्सोल्यूट सीपीयू खुद निकालेगा। तो अब हमें क्या यूज करना है, ऐड इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर नंबर 2 में ऐड करना है कौन सी वाली लोकेशन के कंटेंट्स, 900, और जिसमें इंडेक्स 0 0 है, और बेस एड्रेस हमारा कहां से मिलेगा, रजिस्टर नंबर 1 से। तो अब एड्रेस किस तरह से कैलकुलेट होगा, 900 जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या प्लस हो जाएगा, बेस रजिस्टर, दैट इज इसके कंटेंट्स। तो 948 वाली लोकेशन, जैसा कि हमें बोल रखा था कि जो हमारा नंबर 49 है वो 948 लोकेशन पे है, तो हमें 948 लोकेशन पर जो भी होगा, क्या है, 49 है, इसका एब्सोल्यूट एड्रेस 948 है, तो 49 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, किसमें, रजिस्टर नंबर 2 में, क्या ऐड हो जाएगा, 49। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 59, जो कि वापस किसमें जाएगा, रजिस्टर नंबर 2 में ही जाएगा। अब हमें रजिस्टर नंबर 2 में 59 को रख के क्या करना है, हमें तो जो ऐड करना है वो कहां पे करना है, इन 10 लोकेशंस में ऐड करना है। तो अब हमें क्या करना है, इस रजिस्टर नंबर 2 के कंटेंट्स को स्टोर करना है वापस यहां पर, मतलब कौन सी लोकेशन पर स्टोर करना है, वापस इसी लोकेशन पे स्टोर करना है जहां से हमने उठाया था। तो अब हम ST स्टोर का यूज करेंगे, किसके कंटेंट्स को स्टोर करना है, रजिस्टर नंबर 2 के कंटेंट्स को स्टोर करना है, कहां पे स्टोर करना है, वापस यहीं पे हमें क्या करना है,
स्टोर करना है. ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये 59 कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा. हमने फर्स्ट नंबर का तो एडिशन परफॉर्म कर लिया. ओके, इसके बाद में अब हमें ये वाला नंबर लेना है, कौन सा, जिसका रिलेटिव एड्रेस क्या है, 908 है. ओके, ये वाला लेना है. तो अब हम फिर से क्या लिखेंगे, लोड करेंगे रजिस्टर नंबर 2 में. किसको लोड करेंगे, 908 को, और उसमें हम क्या प्लस कर देंगे एब्सोल्यूट एड्रेस निकालने के लिए, रजिस्टर 1 के कंटेंट्स जो कि क्या है 48 है. ठीक है, तो हमारे कुल मिला के 956, इसका एड्रेस क्या निकलेगा, 956 निकलेगा एब्सोल्यूट एड्रेस. और ये वाले जो कंटेंट्स हैं 20 अब किसमें ऐड हो जाएंगे, हमारे रजिस्टर नंबर 2 में लोड हो जाएगा. ठीक है, ये काम हो गया. फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है. अब ये चीज तो चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऐड हमें हमेशा क्या करना है, यही वाला नंबर ऐड करना है. तो ऐड का जो है वो तो क्या रहेगा, ऐड देन 2 देन 900 और फिर 01 ऐड हो गया. अब ऐड होके हमें क्या मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट मिल जाएगा वो किसमें है, इसके अंदर है. इसको हमें बैक यहां पे स्टोर करना है, कहां पर, यहां पे स्टोर करना है. तो फिर से हम क्या लिखेंगे, एसटी फिर 2 और फिर हमने कहां से लिया था, यहां से लिया था, यहीं पे वापस जाके स्टोर करना है. तो 908 और फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर, 0.1. ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड वाला जो है इसमें भी क्या एड हो गया, 69 एड हो गया. यही चीज हमें एग्जैक्टली कितनी बार और करनी, 8 बार और. क्यों, क्योंकि 2 बार तो हम कर लिए, इसके बाद 8 बार और हमें यही चीज क्या करनी है, ये तीन तीन इंस्ट्रक्शन क्या करने हैं, प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो अब यहां पर देखो, अब दूसरी चीज हमें यहां पे क्या लिखनी है, हमारा प्रोग्राम रिलेटिव लोकेशन क्या है, उसकी 0 है, लेकिन उसके एब्सोल्यूट लोकेशन, मतलब हमारे फर्स्ट वाले जो इंस्ट्रक्शन है, यही तो होता है प्रोग्राम, यही तो होता है, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है. तो अगर हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हुआ है, एब्सोल्यूट लोकेशन 48 से स्टार्ट हुआ है, कहां से, एब्सोल्यूट लोकेशन 48 से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी रिलेटिव लोकेशन है 0. देन हमारा ये तो हुआ एक इंस्ट्रक्शन जिसको 4 बाइट्स की जरूरत थी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिलेटिव लोकेशन 4 पे होगा, इसका मतलब एब्सोल्यूट लोकेशन कहां पे होगा, 52 पे होगा. फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिलेटिव लोकेशन कहां पे होगा, 8 पे होगा. क्यों, क्योंकि 4 बाइट्स की जरूरत थी. फिर हमारा यही रिलेटिव जो लोकेशन, एब्सोल्यूट जो लोकेशन होगी इसकी, एब्सोल्यूट लोकेशन किसकी, प्रोग्राम की बात करें ना कि डेटा की, तो इसी के एब्सोल्यूट, इस वाले इंस्ट्रक्शन की जो एब्सोल्यूट लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी. फिर इस इंस्ट्रक्शन की अगर हमारी रिलेटिव लोकेशन 12 है, तो एब्सोल्यूट लोकेशन क्या हो जाएगी, इसी में हम क्या प्लस कर देंगे, 4 को प्लस कर देंगे, तो 60 हो जाएगी. तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम की हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन यहां पर लिख देंगे. अब आता है कि हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे. तो देखो, हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमने क्या लिखने हैं, इनके इंस्ट्रक्शन के कोड्स लिखने हैं. लोड का जो कोड होता है वो क्या होता है, 58. क्यों, हमने यहां पे 58, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद देखो आरएक्स फॉर्म में उसके जस्ट बाद क्या लिखा जाता है, जिस रजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हम रजिस्टर नंबर 2 को यूज कर रहे हैं. फिर आता है इंडेक्स रजिस्टर, तो इंडेक्स रजिस्टर क्या है हमारा, 0, मतलब हम कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर आता है हमारा बेस रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के लिए ओनली किसकी जरूरत पड़ेगी, 4 बिट्स की ही जरूरत पड़ेगी, 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हेक्साडेसिमल हम एक ही यूज करेंगे. फिर यहां पर हमारा बेस रजिस्टर है 1. फिर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लास्ट की तीन जो लोकेशन, तीन जो हम लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, मतलब 3-4 बिट्स का पेयर हम किसके लिए लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए. यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 904. इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखे तो क्या हो जाएगा, 388 हो जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट एड का जो कोड होता है वो क्या होता है, 5A होता है. फिर अगेन रजिस्टर नंबर 2 हम यूज कर रहे हैं, और इंडेक्स क्या है, 0 है, और बेस क्या है, 1 है, और फिर इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, 384 हो जाएगा. सिमिलरली हम बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम क्या लिखेंगे, कोड स्टोर का क्या होता है, 50 होता है. फिर अगेन रजिस्टर नंबर 2 और यहां पर क्या, 0 देन 1 और फिर 904 का क्या होता है, 38C होता है. तो यही चीज हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. अब बात आती है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं. तो देखो, यहां पर तो मैंने सिर्फ क्या लिखे हैं, 6 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं. अब यहां पर मुझे टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, ये तीन तीन का सेट मुझे कितनी बार लिखना है,
टेन टाइम्स लिखना है। क्यों? क्योंकि यही काम मुझे 10 टाइम्स करना है। हर एक इंस्ट्रक्शन की जो साइज है वो क्या है, 4 बाइट्स है। तो यहां पर टोटल जो साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 4 12, 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120। यहां पर तो सिर्फ हम क्या यूज कर रहे हैं, 10 ही हमें नंबर्स को ऐड करना है। यही नंबर जो हो जाता है सपोज 30 हो जाता है, तो यही 3 3 9 90 90 × 4 360 bytes की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है, नो लूपिंग, हम कोई लूप नहीं यूज कर रहे हैं। अब इवेंचुअली हो सकता है कि यही चीज बढ़ बढ़ के हमारे जो डेटा पार्ट है, जो कि कहां पर है, 948 से स्टार्ट हो रहा है हमारा डेटा, तो उस चीज को भी क्या कर दे, ओवरलैप कर सकती है। क्यों ओवरलैप कर सकती है, हो सकता है हमारी ये जो है लोकेशन, अभी तो मैंने क्या बोला है 10 नंबर्स को ऐड करना है, हो सकता है 100 नंबर्स को ऐड करना है, 200 नंबर्स को ऐड करना हो, तो यही चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या हो सकता है हमारा जो बेस रजिस्टर, अभी तो हमने क्या बोला है कि हमारा जो बेस एड्रेस है 48 है, हो सकता है हमारा बेस एड्रेस 480 हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो कुल मिला के नो लूपिंग से क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन ज्यादा मतलब हमारी जो साइज है वो भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा हमारा प्रोग्राम। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि हम लूपिंग कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम उसका एक ओवरव्यू यहां पे देख लेते हैं। यहां पे हमारा जो चेंज हो रहा है, देखो ये चीज जो है वो क्या है, सेम है हर एक में, चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ओनली ये चेंज हो रहा है। ठीक है, जो जिसमें हमेशा क्या ऐड हो रहा है, 4 ही ऐड हो रहा है, कुछ नया नहीं ऐड हो रहा है कि यहाँ पे 4 आया तो अगली बार कुछ 950 हो जाएगा या कुछ हो, हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 4 ऐड हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, 4 ऐड हुआ। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 912 हो जाएगा इसकी जगह पे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 912। तो एक जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तो हम इसी चीज को माइंड में रख के नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि हम लूपिंग की हेल्प से इसी प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं।